हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी एमएस बेस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के कट ऑफ के बारे में। तो हम इसके अंदर सभी ब्रांचेस की और सभी कैटेगरीज की कट ऑफ देखेंगे फुल डिटेल में राउंड सेकंड के। तो राउंड वन के हमने मोस्टली आईआईटीज के कर दिए थे राउंड वन के, तो अब राउंड टू के देखेंगे, फिर सभी राउंड के देखेंगे जोसा काउंसलिंग के। तो जेई एडवांस एक्सेप्ट करता है ये एग्ज़ाम, और जेई एडवांस के बाद जोसा काउंसलिंग होती है, वो सब करवाते हैं काउंसलिंग, उसके बाद सीट अलॉट होती है। तो उसमें हम देखेंगे क्या कट ऑफ थी लास्ट ईयर 2021 में, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमें कितनी रैंक लानी है, क्या एम रखना है आईआईटी बॉम्बे में, अगर कोई भी ब्रांच चाहिए या फिर आईआईटी बॉम्बे चाहिए, किस कैटेगरी को कितना रैंक अप्रॉक्स लाना है। ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है कट ऑफ में, थोड़ा सा ही होता है, तो एक हमें आइडिया लग जाएगा। इसलिए कट ऑफ दिखा रहा हूँ लास्ट ईयर की, जो सबसे लेटेस्ट होती है और सभी राउंड के दिखाएंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दो और लाइक भी कर दो वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राउंड वन है ये आईआईटी बॉम्बे का। तो सबसे पहले आता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली है ए बी सी ब्रांचेस। तो एरोस्पेस में 4 ईयर बीटेक है ये, इसमें क्लोजिंग रैंक है 2118 एंड ओपनिंग है 123। तो ओपनिंग से मतलब नहीं होता, हमारा मेन एम जो होता है वो क्लोजिंग रैंक में होना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग रैंक में सीट फुल हो जाती है। अब ये सभी ब्रांच के दिए हुए हैं, यहाँ पर फीमेल का दिया हुआ है 4419, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीसी, और ये सारे सीआरएल नहीं हैं, ये सारे कैटेगरी रैंक है जो भी साइड में है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जिस भी कैटेगरी का देखना है, स्टॉप करके अच्छे से देख सकते हैं कि सब ब्रांचेस की इसमें पूरी डिटेल है। नेक्स्ट जो है ब्रांच वो है बीएस इन मैथमेटिक्स। बीएस होता है बैचलर ऑफ साइंस, ये 4 ईयर है, ये बीएससी 3 ईयर नहीं है, ये बीएस 4 ईयर है। इसमें 1903 है कट ऑफ, एरोस्पेस से हाई है इसकी कट ऑफ, फीमेल में 5154 है। तो देख सकते हैं, सारी डिटेल देख सकते हैं सभी कैटेगरीज़ की, जितने भी हैं सब डिटेल यहाँ। क्लोजिंग से हमारा मेन एम जो है क्लोजिंग रैंक होनी चाहिए, ओपनिंग ज़्यादा ही हाई रहती है, ओपनिंग से मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट ये है केमिकल है, तो केमिकल में 2139 अप्रोक्स एरोस्पेस जितनी इसकी कट ऑफ है। तो केमिकल की ये हमारी कट ऑफ है, देख सकते हैं। इसके बाद आता है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल नहीं है, केमिस्ट्री है इससे पहले, तो केमिस्ट्री है ये बीएस, ये भी बीएस केमिस्ट्री है 4 ईयर्स की। इसमें 5788 है कट ऑफ, थोड़ी लो है, ये जनरल की बता रहा हूँ मैं, 5788। तो 5000 पर आईआईटी बॉम्बे मिल जा रही है, बहुत ही अच्छी बात है ये, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में जो क्लोजिंग है वो 3226 है, 3226 है, जो कि एरोस्पेस एंड केमिकल से भी डाउन है। तो जिसकी, और ये राउंड टू है, राउंड टू में अगर आपको कट ऑफ हाई लग रहा है तो टेंशन वाली बात नहीं है, 6 राउंड तक आईआईटीज में सीट अलॉट होती हैं, और फिफ्थ सिक्स राउंड तक कट ऑफ बहुत ही लो चली जाती है। और नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेस्ट आईआईटी बॉम्बे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच कंप्यूटर साइंस। इसकी क्लोजिंग है 67, ओपनिंग है 1। सिंपल सी बात है, जो आईआईटी जेई एडवांस में रैंक 1 लाएगा वो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ही लेगा मोस्टली, वैसे अपने मर्जी के ऊपर भी है। तो ओपनिंग है 1, क्लोजिंग है 67। ऑलवेज आईआईटी बॉम्बे दिल्ली का 2 डिजिट में ही क्लोजिंग होता है स्टार्टिंग के राउंड्स में। अब चलते हैं हम, और ये जितनी भी कैटेगरीज आप जिससे भी बिलोंग करते हैं या फिर जिसकी देखनी है, स्टॉप करके देख सकते हैं, या फिर वैसे भी वीडियो स्लो चल रही है, और वीडियो को पूरी देखना, सभी ब्रांच की डिटेल पता चलेगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, बीएस इकोनॉमिक्स है ये 4 ईयर। इसमें 1910 है क्लोजिंग रैंक, और ऐसी नहीं है कि अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस की देखनी है तो कंप्यूटर साइंस देख के आपने वीडियो क्लोज़ कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर कहीं ऐसा भी हो कि ये आपकी कोई दूसरी फेवरेट ब्रांच हो जो बहुत ही उसकी कट ऑफ लो जा रही हो, तो वो भी आपको मिल सकता है, उसका आइडिया लग जाएगा आपको, तो वीडियो पूरी देखें। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है। इसमें 422 कट ऑफ है, कट ऑफ देख सकते हैं बहुत ही हाई है, 3 डिजिट में है, अंडर 500 है। तो मैं पहले से बताता हुआ आया हूँ कि अगर कट ऑफ हाई रहती है तो ब्रांच अच्छी रहती है, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। जिस भी, अब कॉलेज की ही बता दूँ, जिस कॉलेज की कट ऑफ हाई रहेगी वो कॉलेज अच्छा रहेगा, वैसे ही जिस भी ब्रांच की या जिस भी सब्जेक्ट की कट ऑफ हाई रहेगी वो अच्छी रहती है, उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, इसी वजह से वो हाई चला जाता है, सबकी प्रेफरेंस उस पर रहती है, इसलिए कट ऑफ हाई रहती है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये डुअल डिग्री है, बीटेक एमटेक 5 ईयर का, इसमें 795 है। डुअल डिग्री में कट ऑफ थोड़ी सी लो रहती है नॉर्मल बीटेक से, लेकिन जैसे उसमें 400 था, इसमें 700 अप्रोक्स है,
लेकिन ये नॉर्मल बीटेक से अच्छी प्लेसमेंट रेट होती है इसकी। मैंने प्लेसमेंट वीडियो जितनी भी की है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, जो डुअल डिग्री होता है नॉर्मल बीटेक में उस ब्रांच से का, जिस पर्टिकुलर ब्रांच की हम बात करें तो उसका डुअल डिग्री ज़्यादा बेटर होता है नॉर्मल बीटेक से, उसकी प्लेसमेंट रेट और पैकेज भी। नेक्स्ट है एनर्जी इंजीनियरिंग विद एमटेक इन एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, डुअल डिग्री है ये भी, इसमें 2787 है, कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से भी हाई है। तो ब्रांचेज इसमें है, अच्छी हैं ब्रांचेज इसके अंदर, इसमें देख सकते हैं आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, तो अभी यही चल रहा है एनर्जी इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स 4 ईयर बीटेक, इसमें जो क्लोजिंग है 1265 है, बहुत ही हाई है, तो ब्रांच अच्छी है इसीलिए इससे हम कट ऑफ से ही पता कर सकते हैं। और जो ब्रांच अच्छी होती है, कॉलेज अच्छा होता है, उसका कट ऑफ हाई रहता ही है। अब अच्छा होना प्लेसमेंट पर भी, सिर्फ प्लेसमेंट पर भी डिपेंड नहीं होता, लोकेशन पर भी डिपेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्टाफ पर, फैकल्टी पर, सब पे डिपेंड करता है। सिर्फ प्लेसमेंट अच्छे हो जाने से कोई कॉलेज अच्छा नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, चाहे उसकी लैब हो गई, सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, 5 ईयर डुअल डिग्री है, इसकी जो कट ऑफ है क्लोजिंग रैंक सेकेंड राउंड में वो है 4859। तो इसमें आप देख सकते हैं ये EWS का है, ये OBC का है। अब चलते हैं नीचे, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग BTech 4 ईयर, इसमें 1234 है कट ऑफ, सिविल केमिकल एरोस्पेस से भी हाई है, बिल्कुल इंजीनियरिंग फिजिक्स की भी अप्रोक्स इतनी थी, 1200 कुछ, तो उससे बेटर ही है इस टाइम। वैसे प्लेसमेंट कोई ब्रांच कोई भी अच्छी या ख़राब नहीं होती है, वो अपने ऊपर है, अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। वैसे स्कोप वाइज इस टाइम अच्छी और बुरी मानी जा रही है, जिसका स्कोप ज़्यादा है उसमें मोस्टली जा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। अभी आ गया नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन एमटेक इन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग 5 ईयर बीटेक है डुअल डिग्री, इसमें है 1471 कट ऑफ। अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस डुअल डिग्री है ये 5 ईयर का, इसका 4078 है क्लोजिंग रैंक। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे हैं कट ऑफ्स, ये यहाँ पर आई थिंक ये लास्ट ब्रांच थी, यहाँ पे हमारी वीडियो, ये 4 ईयर आ गया, ये ऊपर 5 ईयर था, तो ये 4 ईयर मेटलर्जिकल नीचे है बीटेक, इसमें 3777 है, 3777 ये इसकी कट ऑफ्स हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अगर ज़रा सी पसंद आए या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, या कुछ भी बताना हो, पूछना हो, कमेंट करो। और इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हमें DM कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, और वहाँ पर भी हमें पूछ सकते हैं जो कुछ पूछना है। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो, और सभी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी, चाहे JEE से रिलेटेड, या फिर JEE Mains, JEE Advanced, IIT, NIT, या DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, या जामिया, जो भी है मेन यूनिवर्सिटीज़, उन सबकी डिटेल आप सबको मिलती रहेगी, उन सबके अपडेट मिलते रहेंगे। अभी दूसरा टॉपिक मैं इसमें नहीं ला सकता हूँ, तो वो दूसरे वीडियो में बताऊँगा। अभी सिर्फ IIT बॉम्बे की बात हो रही थी, तो इसकी प्लेसमेंट भी की हुई है हमने लेटेस्ट 2021 की, जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेसमेंट वाली IIT बॉम्बे की, तो उसको भी पूरी देखना, पूरी प्लेसमेंट की हुई है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।